नवी है मोनोकोड्स एंड डाई कोड्स द सीड्स ऑफ फ्लॉवरिंग प्लाट्स कंटेन आइदर वन और टू कॉटी लेडन्स जो सीड होते हैं फ्लॉविंग प्लांट्स का उसके पास कॉर्टिलेडन्स होते हैं या तो वो एक कार्टिलेडन होता है या फिर दो कॉर्टिलेडन्स होते हैं कॉटीलेडन्स जो होते हैं वो सीड कोड सीड लीवस को कहा जाता है कॉटिलेडन्स डेट इज कॉर्टिलेडन्स द कॉर्टिलेजन इज अ सीड लीव दैट इमर्ज फ्रॉम द सीड वेन इट जर्मिनेट्स ठीक है सीड लीव को कहा जाता है ठीक है अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके पास या एक कॉटिलेडन होता है या दो कॉटिलेडन होते हैं दो विद वन कॉटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकोड्स ऐसे प्लांट्स जिनके पास एक ही ऐसे सीड्स जिनके पास एक ही कॉटिलेडन होता है उसको मोनोकोट्स कहा जाता है यहाँ पे मोनोकोट्स की डेफिनेशन है दैट इज दो विद वन कॉटिलेडन आर कॉल्ड मोनोकोट्स या आप कह सकते हैं दो सीड्स विद वन मोनोकोटिलेडन इज नोन एज मोनोकोट्स मोनो मीन वन कॉट्स दैट इज डिराइव फ्रॉम कॉटिलेडन एंड दैट इज द Example of that is the uh, diagram of monocots that you can see it has one cotyledon, and it, this is maize seed, and it has seed code that is endosperm, that is cotyledon, and that is embryo. and what about dicots those with two cotyledons are called dicots those seeds with are two with uh, are two cotyledons are known as dicots di mean two and cot that is derived from cotyledons this is the diagram of dicots plant that is bean seed इनके लोबिए के जो बीज होते हैं ये सीड कोड इसका दैट इज एम्ब्रियो एंड आर टू कॉटीलेडेंस द बीन सीड इज डाइकोट बीज का जो सीड है वो डाइकोट है द मेज सीड इज मोनोकोट और मेज का जो सीड है वो मोनोकोट uh, है ठीक है वैन दे जर्मिनेट जब ये जर्मिनेट करते हैं द डिफरेंस बिटवीन मोनोकोर्स एंड डाइकोड्स कैन बी सीन इन देयर लीव्स इनका जो डिफ्रेंस है वो देखा जा सकता है इनके लीव्स में ठीक है एंड दैट इज डाएकोड एंड दिस इज मोनोकोट्स मोनोकोट्स के जो लीव्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं और डायकोड्स के जो लीव्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं देन वी हैव अ साइंटिफिक फैक्ट द बिगेस्ट प्लांट सीड इज़ बिलीव टू बी दीड ऑफ द कोको डी पर पाम जो सबसे बड़ा सीड जो है उस बिलीव किया जाता है कि वो कोको डी पर पाम का है ठीक है और इसको को जो है सी कोकोनट भी कहा जाता है डबल कोकोनट भी कहा जाता है ये एनजियस होते हैं और ये मोनोकोड्स होते हैं ठीक है और ये, है, और ये सबसे मैंने कि सबसे बड़ा सीड होता है ये वाला इट कैन बी वे अप टू एटीन के जी और इसका जो वेट होता है वो एटीन के जी होता है एंड दे ओनली ग्रो ऑन दी सेश एलिस आइलैंड और ये सिर्फ और सिर्फ से सेश एलेस आईलैंड में ग्रो करते हैं ठीक है इफ अगर आपको ये पूछे कि सबसे बिगेस्ट प्लांट सीड कौन सा है तो यू कैन से दैट दिस इज कोको डी पाम इट इज ऑल्सो नोन एज सी कोकोनेट double coconut and uh, these are angiosperm and this is monocot and what about its weight its weight is weight is 18 kg and these are all uh, they only grow on seychelles island then we have activity time in your notebook write down the four main parts of the seeds the, and then draw a seed and label these four parts अब आपने अपने नोट आ, बुक में जो है सीट्स के फ, फोर पार्ट्स लिखने हैं ठीक है उनके नेम आपने लिखने हैं और उनकी एक डायग्राम बनानी है और उन्हें लेबल करना है बिल्कुल इस तरह से ठीक है पहले आपने इनके नेम्स लिखने हैं फिर एक डायग्राम ड्रॉ करके इनके जो है नेम्स लिखने हैं ठीक है थैंक यू